हम्म एक मोबाइल मेरा मेरा है। मेरा फोन है मेरे पास ड्रॉपर चलो आ जाओ भैया जल्दी जल्दी फटक से शेयर करो सर इस साल मेन सीटी में अच्छा स्कोर हुआ बट कॉलेज में बैक लगा तो क्या होगा क्या मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं वैसे नहीं मिलते बेटा क्लियर चाहिए आपके सब्जेक्ट क्लियर चाहिए तो ही मिलता है ना यस चलो एक बार शेयर करो हाय गुड इवनिंग यस सर थैंक यू सर ओके सर चलो फटाफट आ जाओ भाई साहब एक बार शेयर करो और आज के लेक्चर का जो मज़ा है भाई इससे लगाओ संजू भाई वन शॉट चाहिए बच्चे बोल रहे हैं संजू भाई वन शॉट चाहिए चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज भी लाइए एक एक लाएंगे हर चीज़ भैया एकदम से नहीं मिलती प्यार से मिलती है भैया है ना थप्पड़ से डर नहीं लगता भाई प्यार से लगता है वैसे पैर से लेना पड़ता है एक एक चीज़ है ना चलो एक बार फीडे क्लास क्यू हाँ बेटा वो थोड़ा सा फंस गया था मैं ये ट्रैफिक के अंदर नहीं निकल पायासे वहाँ से भावुड ने बोला ना सर अनुज तिवारी भावड्यांनो चला या रे बाबा लवकर लवकर चला भावड्यांनो या रे बाबा चलो तो यार हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये जो हमारा सब पैरा सब चैप्टर था भैया सरपटे का नहीं यूज अपने घरों में भी करते हो हाँ सर हमको तो पता नहीं हाँ जी ब्रश करते हो सर टेंशन ब्रश करते हो ना सब लोग ब्रश करते हो उठने के बाद मैं तो करता हूँ भैया कितने लोग ब्रश करते हैं बताओ आप लोग ब्रश करते हो तो ब्रश करते भैया सर पे टेंशन देखो सर पे टेंशन बढ़ने कम होने से वो जो पेस्ट है भैया फुल जाता है है ना पीते हो वॉइस ब्रेक हो रही है रुकेश। नहीं अच्छी है भाई नहीं यार अच्छी है साउंड लो बोल रहे बच्चे साउंड क्लियर है क्या आदित्य साउंड कम है बोल रहे है बच्चे ना एक बार लो वॉइस है ओके डोंट वरी वॉइस ब्रेक हो रही है लो है ऐसा बच्चों का कहना है चलो तो देख लो एक बार नहीं तो वहां से साउंड भी बढ़ा सकते आप है ना चलो यार तो स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर को तो आपको पता है सर पे टेंशन हर जगह पे कपड़े धोते होंगे वहां भी सर पे टेंशन का कॉन्सेप्ट भैया हाँ जी पढ़ाऊंगा मैं टेंशन मत लेना जैसे कि आपको पता है जैसे कि जो झरने होते वहां पे भी सर पे टेंशन होता है कैपिलरी टू मैं यूज करने वाला हूं हर जगह पे टेंशन मत लेना है ना तो चलो यार स्टार्ट स्टार्ट करते हैं मैंने किया था आपको याद होगा कि फ्लूड किसका जो फ्लो होता है इसको फ्लूड कहते हैं ठीक है डिफॉर्मेशन जिसकी शेप और साइज चेंज होती इसको है उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं ठीक है विस्कोसिटी क्या होती है मैंने बोला था गाढ़ापन होता है मैं सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश कर राम 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 राम

या उसकी हो जाती है है ना मतलब बोला था, ट्रेस, होता है, ट्रेंग ट्रेंग होता है, याद दिलाने की कर रहा हूं, बाकी कुछ है। जो हमारी, वो भी दिखाऊंगा बच्चों, नॉट अपोज डिफॉर्मेशन हम लोग इसको अपोज डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन डिफॉर्म हो रही है कोई बॉडी तो उसको अपोज नहीं कर सकते मतलब परमानेंटली डिफॉर्म होता है है तो फ्लो होगा तो फ्लो होगा दे है एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर ग्लास में डालो तो ग्लास जैसे बनेगा उसका शेप बाउल में डालो तो बाउल जैसे बनेगा बकेट में डालो तो बकेट जैसे बनेगा बराबर है ठीक है नेक्स्ट भैया फ्लूड की एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो रेस्ट पे पढ़ाई करती है उसको हाइड्रोस्टेटिक क्या कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या भैया फोर्स पर यूनिट इसका यूनिट फोर्स का न्यूटन पर मीटर इसी को पास्कल भी कहते हैं और इसके डायमेंशन एम वन एल माइनस वन टी माइनस हो चुका था याद है समझ में आ रहा है बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा वॉइस तो अभी ऑलरेडी हो चुका था याद है आप बोल रहे वॉइस क्लियर नहीं वॉइस तो क्लियर है बेटा यहाँ पे आ? मैं तो सुन रहा हूं ना तो भी मैं देख लेता हूं तृपा तो तो। है एकदम आवाज बना थोड़ा सा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी भी बताओ ना एक वीडियो में ओके सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सर वीडियो नहीं दिख रहा है अरे मैं थोड़ा सा बाजू में हट गया था ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर है वो यच रोजी ये फॉर्मुलाइन यच रोज यच इज द हाइट रोज इज द डेंसिटी एंड इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी

क्या नहीं नहीं इंजीनियर मैं नहीं भैया मैं लेक्चरर हूं ठीक है अगर एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर की बात करता हूं अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है कौन सा एब्सोल्यूट प्रेशर में गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इकट्ठा करो आई विल रिपीट अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर के अंदर अगर आप लोगों को रिलेशन दिखाना है तो याद रखिएगा हम लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर देखो ये कौन सा है एप्सुलट प्रेशर इज इक्वल टू आपका एटमोस्पिर प्रेशर और गेज प्रेशर को एड करो समझ में आ रहा है या ऐसे बोल सकते हो एप्सुलट प्रेशर निकालना है तो आपका जो भी एटमोस्पिर प्रेशर और प्रेशर ऑफ गेज प्रेशर जी का मतलब गेज प्रेशर ऑफ गेज होता है यह याद रखना इसके ऊपर मैं आज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं सर पिछले वन और थर्टी का मैं मंडे में लेक्चर लिया बेटा मंडे में लिया है अगर आप लोगों को इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर एमसीक्यूज देने वाला हूं कौन सा एब्सुलट प्रेशर मतलब क्या होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर ये कैलकुलेशन करके बताए और गेज प्रेशर का सम भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है भैया प्रेशर एट डेट डी मतलब कुछ अंदर है ठीक है तो कितना होता है तो प्रेशर का डिफरेंस है प्रेशर और प्रेशर नोट डाउन करके रखिए इसके ऊपर का डिफरेंस ऐसे भी लिख सकता हूं डेल पी इज इक्वल टू तो रो जी यच लिखने वाला हूं इसके ऊपर एमसीक्यूज आने वाला है अभी मैं देने वाला हूं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे ये आपको यह आना चाहिए नेक्स्ट है यहां पे चेंज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट अगर ऊपर रहा तो क्या होता है मतलब देखो पहले अंदर रखा था बाद में सरफेस जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक के ऊपर की हाइट ये अब इसी सिलेंडर को ऊपर लग के गया तो ये फार्मूला आना चाहिए आपको ठीक है हाइड्रोलिक देखो यार यहां पे

तर मेरे साथ मेरा दो दोस्त और है इसलिए बेटा हाँ क्लियर है वाइस यस ये बताओ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं एक जावेद खान एक बात बोलू अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको थर्टी फाइव तक जा सकते हो ठीक है ये समझ में आ गया मतलब आपके इसका सेफ साइज कैसा है कोई लेना देना नहीं लेना देना किससे आपकी कॉलम की, की हाइट कितनी हाइट के ऊपर हमारा ये प्रेशर डिपेंड करेगा पास्कल लॉ क्या करता है लॉ कहता है जहां भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो वो सब तरफ वो इक्वली स्प्रेड करता है कैसे करता है इक्वली करता है देखो एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाई करोगे कोई इनक्लोज लिक्विड पे तो ट्रांसमिट करता है ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर होता है कही कम कहीं ज्यादा नहीं होता है कभी खुशी कभी गम ना हो कभी खुशी कभी गम नहीं है भैया ये सब तरफ इक्वल है देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन पास कर लो हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोग अपनी गाड़ी को अगर वॉशिंग करने के लिए लेके जाते हो है ना गाड़ी कभी धोना पड़ते भैया धोना धोते होंगे ना सर्विस सेंटर में जाते हो तो वहां पे देखा होगा एक बंदा अपने पैर से इतने बड़े गाड़ी को उठा लेता है छोटा सा ऐसा हल्का सा ऐसा प्रेशर देता है इससे इक्वली प्रेशर लग के यहां पे बड़ी गड्डी को भी हवा में लिफ्ट कर सकते वाह क्या बात है भैया देखो यहां पे कम फोर्स लगा के भी हम लोग बड़े बड़े चीज को उठा सकते हैं ये ओनली पॉसिबल होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर हमको पॉसिकल लॉ ना पता होता अगर हमको पास्कल लॉ पता ना होता तो भैया यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा के बड़े बड़े चीजों को हवा में नहीं उड़ा सकते देखो भैया कितने छोटे लगाओ छोटा बच्चा भी फोर व्हीलर गाड़ी को उठा सकता है हाँ जी ठीक है ना ये जादू तेरी नजर है भैया जादू तेरी नजर है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है उसकी भी सीरीज लाते डोंट टोंडवर चलिए यहां पे देख पा रहे भाई बड़े बड़े चीजें है यहाँ पे यहां पे भी ब्रेक मारते हो आप लोग है ना हाइड्रोलिक ब्रेक होते ब्रेक मारो कितना छोटा सा ऐसा लगाओ बस हमारा जो पैर होता है ओनली ऐसा दबाओ गाड़ी आजकल तो एबीएस सिस्टम आ गया एबीएस एबीएस सिस्टम पता है आपको एबीएस इस एबीएस सिस्टम से हम लोग गाड़ी को भी रुक, रुकाते है।, है ना थोड़ा सा फोर्स लगा ये यह यहां पे इक्वल प्रेशर क्या होता है ट्रांसमिट होता है और गाड़ी को रोक सकते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर प्रेशर किससे मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर मीटर कहते हैं प्रेशर गेज कहते हैं या वैक्यूम गेज कहते हैं ठीक है नेक्स्ट बैरोमीटर भैया यह जो इंस्ट्रूमेंट है यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनता है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनता है ठीक है तो आप लोगों को यह भी फार्मूला बोला था बिग ड्रॉप है उसको तोड़ दो तो ड्रॉप ड्रॉपलेट बन जाते इतने यन तो बिग ड्रॉप है तो ड्रॉप स्फीयर है और स्पीयर का फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री पायर क्यूब और छोटे ड्रॉप का फोर बाई थ्री पायर क्यूब भी लेकिन स्मॉल और रेडियस लिए क्यों लिखा है मल्टीप्लाई एक ड्रॉप से कितने बन गए एक ड्रॉप से कितने छोटे ड्रॉप बन गए वो लिखना पड़ता है वैल्यूम तो इक्वल होता है बड़ा ड्रॉप हो या छोटे छोटे ड्रॉप कर दो इसका वैल्यूम अगर गिनोगे तो आपको इक्वल मिल जाता है ओके नेक्स्ट है भैया ओपन टू मैनोमीटर ठीक है इसके बाद में ओ आवाज लड़की देख के तो बच्चे के होश उड़ जाते हैं मुझे पता है लेकिन भैया ध्यान देना गलती से कुछ करो मत खाली देख लेना ये बच्ची क्या कर रही बच्ची नहीं सर लेडी है सर लेडी ये क्या कर रही भाई हा क्या कर रही है इसने बबल देखो ये नीडल भी पानी के ऊपर फ्लोट कर पा रही है ओ। सर ये छोटे-छोटे क्यों बन गए? सर ये छोटा इंसेक्ट क्यों चल रहा है तो इसका जवाब है मेरे भाई पीजे में आप पे मिलती है भैया रॉयल ठीक है पीडीएफ पीजे मैन आप पे मिलती है इसकी फ्री में है। वहां पर आम लोगों को ये जो चीजें दिख रही है यह सरपेट टेंशन की जादू जादू क्या है भैया जादू है ब्रह्मास्त्र में फॉर्मूले भी, भी है बात समझ में आ रही है ये जादू है भैया सरपे टेंशन के ऊपर जो सरपेस पे एक स्पेशल एक कुछ प्रॉपर्टीज है क्या स्ट्रेच इलास्टिक मेम्बर बनता है भैया जैसे रबर है रबर को खेचो देखो जो रबर बैंड होते हैं तो कैसे स्ट्रेच फील होता है वैसे पानी के ऊपर के लेयर पे स्ट्रेच होता है इसलिए छोटे छोटे इंसेक्ट चल सकते हैं या नीडल, हमारी यहां पे, फ्लोट हो सकती है या पानी का ड्रॉप हाथ में ले लो या कोई टेबल पे डालो देखो वो ड्रॉप बनाता है सर पे टेंशन की जादू है जादू न्यू स्टूडेंट ओके रॉयल पीजे ऐप पे मिल जाता बेटा सर पे टेंशन के लिए मैंने बोला ये एक इंटरेस्टेड प्रॉपर्टीज है जो लिक्विड के ये रेस्ट रहा तो ही मिलती है अगर पानी फ्लो हो रहा है वहां पे नहीं मिलते बच्चों जहां जहां मेरा पानी जो है या लिक्विड हो कोई भी अगर वो रेस्ट पे है तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज दिखाई देती है और उसका नाम है भैया सर के ऊपर टेंशन रॉयल पीजीएमन आपकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके आप लोग ले सकते हो ठीक है बेटा तो जैसे कि हमने देखा है छोटे छोटे इंसेक्ट चल रही है तो बबल बन रहा है भैया, में बन रहा है, क्या-क्या हो रहे? तो पे हम लोगों ने कुछ इंटरमोलिक फोर्स क्या होता है तो अट्रैक्शन बिटवीन द होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस का हो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है सर वहां पे आपका फोटो चाहिए था ओके एक मिनट मैं दिखाई देता हूं कि कैसे मिलेगा कुछ बच्चे को शायद कैसे मिलती है पता नहीं है इसलिए दिखाता हूं भैया कोई टेंशन मत लो। देख भाई पीजे ऐप पे जाने के बाद कहा जाओगे मेरे भाई पीजे ऐप पे जाने के बाद देखिए पी जी एम एन जो अपना ऐप है यहां पे जा प्ले स्टोर पे जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स फ्री लाइव नोट्स है ना यहां पे अवेलेबल होती एकलव्य बैच है और पीजीएमएन जो मोस्ट सब फ्री में मिलते एकलव्य बैच वहां पे जाके एक रुपया पेड करने की जरूरत नहीं बच्चे को लगता है एक रुपया पेड करना है नहीं नहीं आ, यास रूपाली पाटिल करेक्ट है सर प्रो और एकलव्य का कंटेंट डिफरेंस करता है क्या नहीं आपको अगर पैसे है तो है ना बेटा उधर मत आनंद तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार कोर्स खरीद लो ठीक है ना चलिए बढ़ते आगे हम लोग आए थे यहां यस चल रहा है ये 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 करके दिखाओ हाँ थोड़ा यहां तक आए थे है ना डेफिनेशन हाँ कोई सी फोर्स मतलब क्या वाटर वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है चिपक रहा है भैया वाटर वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है अट्रैक्शन कर रहा है इसको कोई सी फोर्स एडीसी मतलब जैसे मैंने इस मार्कर से लिख रहा हूं इस बोर्ड पे ये ब्लैक बोर्ड है और मेरी जो मार्कर की इंक है वो येलो है ये दो डिफरेंस मॉलिक्यूल है लेकिन अट्रैक्शन है भैया वॉल पे पानी मार दो ग्लास में पानी लेना वॉल पे फेंक दो वॉल को पानी चिपकेगा तो डिफरेंस कहना ना चलिए रेंज क्या होती है? कितना है ये ज्यादा डेफिनेशन करके सरफेस फिल्म मतलब ऊपर की जो होती है है ना ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है यहां पे हाँ, ये टेंशन था फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर है और डायमेंशन एम वन एल जीरो रिविजन करवा के दे रहा एनर्जी का फार्मूला लिखा है मैंने कि वर्क डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू टी ये कुछ एम सी क्यूज करवा के दिए थे मैंने याद होगा आप लोगों को कल ठीक है आज के एम सी क्यूज को स्टार्ट करने जा रहे भाई आज के एम सी क्यूज हो गए स्टार्ट ये रहा आपके लिए पहले नंबर का एम सी क्यूज हर बच्चा जवाब देगा उम्मीद करता हूं तर माय ऑल थ्री तीन चैप्टर डन विथ रिविजन इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का टेंशन है रूपाली पाटिल ओके देखते हैं चलो ये एम सी स्टार्ट करते हैं आप लोग कितने एम के जवाब दे रहे देखना चाहता हूं मैं आज के सेशन में भाई चलो जवाब देना जवाब सर तुम्हें मार्च में दे न्यू बैच लॉन्च करना का अभी तक तो ऐसा तो कोई डिसीजन नहीं है बहुत सिंपल सवाल है हर बच्चा गांव का शेर का कहीं का भी बच्चा आंसर दे सकता है इसलिए मैंने थोड़ा सा जान बुझ कर इजी लिया है जानता हूं कि प्रेशर कौन है भैया बैरोमीटर अभी अभी मैंने पढ़ाया था बैरोमीटर यह एटमॉस्फेरिक मेजर करता है इजी पूछा है ना चलो तो पहले थोड़े से इजी लेते हैं विच ऑफ पास्कल लॉ पास्कल क्या कहता है पता है ना सबको चलिए बोलो बोलने से सब कुछ होता है तो बता दो कितने मेरे भाई बोल भाई बोल फिजिक्स समझत नहीं सर एच एस सी वाला एच एस सी वाला बेटा एक गो मैं मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये कॉमेंट करते हैं सही सही बताओ क्या आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो क्या फिजिक्स की सर फिजिक्स हार्ड जा रहा है छोड़ देते बीच में से और बाद में चिल्लाते बच्चे कि मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो आप लोगों को इस ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए हम लोग क्या करते हैं सर फिजिक्स माला करूं माँस कर नहीं पढ़ा ही नहीं कर रहे बच्चे बुक को ओपन ही नहीं कर रहे भैया वो ज्यादा डर पैदा कर रहा है ना आप लोग तो मतलब आप लोग खुद को ज्यादा परेशान करने के लिए हेल्प कर रहे हो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा डेली लेक्चर देखो धीमे धीमे आठ दिन पंद्रह दिन करना पड़ेगा ये तो फायदा है चलिए और एच बोर्ड के लिए बहुत बेहतरीन आ रहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलो बताओ ऑफ द फॉलोइंग ऑन पास्कल देखो भैया हाइड्रोलिक लिफ्ट है मुझे लगता है हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया कि यहां पे हमने ऐसा किया था याद आ रहा है कुछ कुछ याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है भैया कुछ याद आ रहा है क्या यहां पे ये था ये प्रेशर ये फन लगा रहे थे तो यहां पे हम लोग देख रहे थे भैया इस बड़ी चीज को बड़ी कार को रखा था यहां पे याद आ रहा है आपको ये बड़ी कार को रखा था इस सरफेस पे उसको उठाया था हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल था मैंने बोला था आपको याद आ रहा है चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा क्या नहीं भैया चैप्टर आज कैसे कंप्लीट होगा नहीं नहीं वीच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूनिट यूनिट नहीं है किसका किसका प्रेशर का प्रेशर का कौन सा यूनिट नहीं है बताओ बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हो न्यूमेरिकल भी है चलो बताओ जल्दी जल्दी आपका सपोर्ट चाहिए भाई सर क्विज़ लीजिए ना एक लव्य में हाँ यस ये भी बात सही है डी बोर्ड अच्छा बच्चा पर डी आएगा डी डी जवाब भैया प्रेशर को मैंने अभी अभी बोला था कि फोर्स पर है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, मतलब ये करेक्ट है सर, पास्कल ये साइंटिस्ट का नाम है मैंने बोला था ये पास्कल भी यूनिट है मतलब ये भी करेक्ट है सर बार भी एक यूनिट है भैया न्यूटन ये ओनली फोर्स का यूनिट है फोर्स का यूनिट है ओनली हाँ तो इसीलिए ये ऑप्शंस नहीं है गलत है, ये यूनिट नहीं है मेरा ओके चलो आप देखते हैं किसमें है कितना दम कौन बनने वाला है आज के क्वेश्चंस का बाजीराव सिंगम देखते भैया हम भी देखेंगे किसमें है कितना दम हाई किसमें है कितना दम इतना इजी नहीं आता है सीई में अनिकेत बेटा अभी ले रहा हूं ना न्यूमेरिकल लूंगा ना एक क्यूज भी लूंगा थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना कि आप डेली लेक्चर करे बस मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट दूंगा आप टेंशन मत लेना ठीक है आप भरोसा तो रखो चलिए हाँ जी देखो मैं सवाल पढ़ रहा हूं वन प्रेशर इज टेकन द प्रेशर एक्साइटेड बाय मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट हाइट मर्क्यूरी की है इसलिए लिखा इज द मर्क्यूरीमीटर सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर कर दिया माइनस टू मीटर ओके एप्रोक्स हाइट द कॉलम दैट विल प्रोड्यूस वन एटमोस्पेरिक प्रेशर ऑन इट्स बॉटम ओके टेम्परेचर एंड डेंसिटी एंड वैल्यू ऑफ रिमेन कांस्टेंट थ्रू द एयर कॉलम दी वाली है 10 3 और ये एयर में जो दी वाली है वो है 1.3 केजी पर क्यूबिक मीटर ओके क्या बोला है यहां पे? तो मर्क्यूरी कॉलम हाइट दिवाली है व्हाट इज द अप्रोक्सिमेटली हाइट इन एयर कॉलम प्रोड्यूस द वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बॉटम बॉटम में कितना होगा है ना ये बताया गया है और बाकी की सब क्वांटिटी जैसे कि उन्होंने बोला कि टेम्परेचर डेंसिटी जी जी इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट अर्थ एयर कॉलम तो उनका कहना है कि भाई आप लोगों को हाइट कितनी होगी क्या पूछा है हाइट कितनी होगी या सवाल समझो पहले सवाल समझना बहुत व्हाट इज द अप्रोक्सिमेटली व्हाट इज यहां से सवाल देखो ये पूछा है मुझे हाइट कितनी होगी एयर कॉलम की मरकरी की बताई गई भैया एयर की बताना है ओके मुझे बताओ दोनों टाइम वन एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐसा बोला गया है। पहला भी वन एटीएम के लिए है ठीक है और दूसरा भी जो भी मर्क्यूरी का भी है वो भी वन एटीएम है मतलब एटमोसफिर प्रेशर कैसा बच्चों सेम बताओ टेटस एंड क्रिएशन ऑलरेडी हम लोग कर रहे प्रोवाइड आप लोग देखना बेटा ओके ठीक है अब यहां पे पहले लेते भैया एयर का एटमोस्पिर प्रेशर जो है ये एयर का लेंगे और ये भी प्रेशर है मर्करी का दोनों वन वन एटमोस्फियर है इसलिए प्रेशर से प्रेशर है इसका प्रेशर का फॉर्मूला है यच रो जी एयर के लिए और ये भी एयर के लिए यच मर्क्यूरी जी जी से जी को कैंसिल करो मुझे हाइट ऑफ एयर की कॉलम में निकालना है तो ये चला जाएगा भैया हाइट ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाई कर इधर करते हैं मुझे ये निकालना है ना, रो यमेड बाय रो एयर निकालेंगे ठीक है तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी की जो है 76 सिक्स टेन रेस टू माइनस टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 पॉइंट सिक्स टेन रेस टू थ्री डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय भैया 1.3 3, divided by, divided by मैं अप्रोक्स कर रहा हूं ना मैं अप्रोक्सिमेटली कर रहा हूं कैलकुलेशन ये इसके 10 गुना ज्यादा है थोड़ा ज्यादा है थोड़ा लेकिन मान रहा हूं मैं 1.3 पॉइंट थ्री है और यह तेरा है तेरा मान 13 मान रहा हूं थर्टीन मान रहा हूं अप्रोक्स आंसर निकालने की कोशिश करते रहो भाई ताकि हेल्प हो जाए देखो भाई ये हो गए सेवनटी सिक्स टेन रेस टू माइनस टू और ये टेन रेस टू फोर अब यहां पे सब आंसर किलोमीटर में है करें क्या तो सिंपल फंडा है सर एक पॉइंट शिफ्ट कर दो कर दिया ये टेन रेस टू थ्री करो क्यों ये टेन रेस टू माइनस वन शिफ्ट किया तो सेवन पॉइंट सिक्स मिला और ये यहां से एक पावर कम कर दिया मतलब अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे बोलूंगा सेवन पॉइंट सिक्स टेन रेस टू माइनस वन टेन रेस टू फोर आप समझे ये टेन रेस टू माइनस टू का माइनस वन क्यों शिफ्ट किया मैंने अब यच यार अब सेवन पॉइंट सिक्स तो ये छोटा है सेवन पॉइंट से ये भी पांच छोटा है छह भी छोटा भैया आठ आ सकता है क्योंकि इससे ज्यादा आंसर आने वाला था ये टेन समथिंग आंसर आने वाला था दिमाग की बत्ती जलाओ भाई तो एट टेन डेज टू तो थ्री एट किलो और ये हाइट होती मीटर एट किलोमीटर हाइट होगी समझे क्या ए ए ऑप्शन आ रहा है क्या सबका बोलो मेरा अंदाज समझ में आ रहा है सर कितने दिन दो लेक्चर और लगेंगे अरे समझ में आ रहा है तो थम्सअप करो ना थम्सअप तो करना चाहिए ना और लाइक भी मारना चाहिए भैया लाइक मांगना मांगना बढ़ते भाई कुछ भी करके दे दे भाई अरे भाई दे रे रहे बहबू बना बढ़ता है रे आपको सर यू आर द थैंक यू बेटा खान साहब थैंक यू फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल सुपर एक्सप्लेनेशन सर यस थैंक यू चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू न्यूटन बाबा ने फंसा दिया भाई <laughs> चलिए चलो आगे बढ़ते हैं स्क्रीन शॉट निकालना तो बाजू में हट गया वही में आपको निकालना तो निकाल सकते चलिए नेट सवाल को अच्छी तरह से पढ़ो पेशेंस रखो बच्चे क्या करते यार लेक्चर नहीं करते बाद में बोलते सर मेरा फिजिक्स समझते नहीं भाई रोज लेक्चर में दे रहा आज दहा एग्जाम्पल फिजिक तुला चार तो समझते पांच से तो समझते धीमे धीमे समझ में आएगा ऐसे नहीं चलता भाई इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए बच्चे क्या करते हैं देखो पहले दिन में सत्रह सौ अट्ठारह बच्चे आए थे याद है आपको पहले लेक्चर में एक लव्य में आज कितने डेढ़ सौ के ऊपर वन सेवेंटी तक जाते हैं बस टॉप यूज में यार थोड़ा सा बाद में बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं द मैन्युअल ऑफ अ ट्रक इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर टू इन्फ्लेट द टायर टू प्रेशर प्रेशर दिया भैया टायर में 200 सो ये गेज प्रेशर कहते हैं उसको 210 किलो पास्कल है ओके वट इज द रिकमेंडेड एप्सुलिट प्रेशर तो एप्सुलिट प्रेशर कितना होना चाहिए और एटमोस्पेरिक प्रेशर उन्होंने 101 किलो पास्कल दिया दिवला है मैंने क्या बोला था यार उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द है एप्स प्रेशर क्या है, absolute pressure क्या होता है? Pressure, याद आ रहा है कुछ प्लस प्रेशर गेज हमारा जो बंदा बोलता है प्रेशर वो बोलता है प्रेशर गेज बोलता है लेकिन अगर एप्सुलट प्रेशर बोलना है तो एटमोसपिर प्रेशर ऐड करना पड़ता है आप कभी है? व्हीलर टू व्हीलर में हवा मारते हो मारते हो क्या भैया तो वो जो प्रेशर बोलता है वो प्रेशर गेज होता है एटमोस्पिर प्रेशर नहीं बताता है बंदा तो देख सकते हो एटमोस्पिर प्रेशर है मेरे पास 101 और ये 210 भाई कितना इजी है सर ये ये हो गए 300 ये 10 और ये 11 ये किलो पास होगा इतना इजी है लेकिन भैया क्या आपको फार्मूला पता है पता रहा तो कितना इजी है ऐसा सवाल एक खाता सवाल हंड्रेड परसेंट आएगा बेटा आपको बता दू पचास क्यूज में से आपको बारह से पंद्रह इतने इजी लेवल पे हो 10 दस से बारह पंद्रह तक होने के चांसेस है समझे क्या आप मोदी के सर तो टोपी मुकेश रोपी अरे बापरे मोदी के सर पे <laughs> अरे बाबर चलो भाई ये बस समझ में आ रहा है देखो फार्मूला पता रहा तो इजी है ना प्रॉब्लम ये कि हमको फार्मूला ही पता नहीं है कि हम लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है प्रेशर प्लस प्रेशर गेज ये पता रहा तो फायदा है उपाय संघाना रॉयल बेटा मैंने बोला ना आपको पीजे मेन ऐप को डाउनलोड करके मैंने दिखाई पीपीडी दिखाई चलो आगे बढ़ते हैं चलो भाई एक बंदा है सर एक बंदा है बंदी कहां है मैन ऑफ हाइट एक आदमी है ये आदमी है भैया ओके सर इसकी जो हाइट बताई गई है 1.8 मीटर पोजीशन खड़ा है भैया एक बंदा है ये 1.8 मीटर हाइट एक खड़ा है ऐसे शक्तिमान कर रहा है ये भी बंदा ओके व्हाट इज द डिफरेंट इन ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है बिटवीन द ब्लड इज फिट मतलब इसके पैर के यहां पे ये 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 प्रेशर ये प्रेशर है ना ये प्रेशर कौन सा फिट मोस्ट लेवल ऑफ हेड यहां पे जो आपका हेड है भाई यहां पे, ये यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर की बात कर जा रही द डेंसिटी ऑफ ब्लड ब्लड की डेंसिटी है वो है 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स के जी पर क्यूबिक मीटर ओके ब्लड वेसल ह्यूमन जो आदमी की है वो तीन है एकदम सी पाइप ऐसे मानी गई है ठीक है और तो सबको पता है निकालना क्या है सर आपको सर व्हाट इज द डिफरेंट इन ब्लड प्रेशर मैंने ब्लड प्रेशर का आपको डेल पी का फार्मूला बोला था बोला था पी माइनस पी नॉट यच रो जी पी इज बोला ना पी माइनस पी नॉट याद आ रहा है कुछ ऐसा प्रेशर बोला होगा तो चलो यार मुझे यस्ट पता है प्रेशर डेल भी एच पता है 1.8 डेंसिटी 1.06 जी की वैल्यू 10 है आसपास निकालूंगा मैं आसपास मुझे बता भैया इसको 18 कर सकते हैं इसको 18 10 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1.06 मतलब 18 से थोड़ा ज्यादा आंसर किसका है 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ, 18 वनजा 18

प्रेशर का डिफरेंस बताया देखो व्हाट इज द डिफरेंट प्रेशर का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का फॉर्मूला या चिरो जी पता होना चाहिए कि नहीं या चिरो जी पता होना चाहिए कि नहीं ये अरे भाऊ कल तक आ या चिरो जी क्यों है प्रेशर का डिफरेंस मैंने बोला था इसे पी माइनस पी नॉट या चिरो जी तो इसको मैंने बोला था डेल भी बोल सकते हो ये क्यों लगाया फार्मूला तो इसलिए भैया यच भी दिया है हाँ सर रो दिया है हाँ जी तो कांस्टेंट है सवाल के गिवन डेटा से कभी कभी फार्मूला पता लगता है कि ये फार्मूला इस्तेमाल करो सर माज तो समझ नहीं आ रहा है रॉयल क्या बेटा समझ में नहीं आया बता मुझे आपको एक आदमी है मैं खड़ा हूं मैं खुद हूं उसने बताया कि भैया आपके यहां पे जो प्रेशर है ब्लड का प्रेशर होगा ना आपके मालूम है थे बताऊं अगर आप हवा में ऊपर जाओगे तो आपसे नाक से खून आएगा कान भी भैया बजेंगे है ना फटफट आवाज आएगी पर्दे भी फटने के हो सकते तो प्रेशर अलग अलग होता है हमारे शरीर के अंदर भी पैर के वहां पे अलग है यहां अलग है तो प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है और इस बंदे की हाइट है वन इसका और इसका डेंसिटी दी वाली अब प्रेशर का फार्मूला अगर तुझे पता नहीं तो भैया प्रेशर का फार्मूला याद कर या चरूज वैल्यू दी वन पॉइंट एट जी तो दी वाला टेन आप टेन से मल्टीप्लाई करोगे वन पॉइंट एट को तो अठारह इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा यह होता है समझ में आना चाहिए अठारह से थोड़ा ज्यादा जो है उसको चिपका दो सर बहुत हार्ड लग रहा है फर्स्ट टाइम वाचिंग ओके रॉयल मैं एक बात बताता हूं भैया पहला लेक्चर है ना धीमे 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 आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है जिसको एक ही लेक्चर में पूरा समझ में आता होगा ठीक है चलिए बढ़ते आगे बताओ ये करके बताओ ये 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 करके बताओ बोलो भाई बोलो बोलने से सब कुछ होता है चलो मैं राह देख रहा हूं आप लोगों की कितने खतरनाक देते हो एग्जाम्पल चलो नेक्स्ट का जवाब जी गे लेते कावड़े उड़ लेते मावड़े <laughs> अरे रे चलेगा चलो बोलो बोलो बोलने से सब कुछ होता है <laughs> जल्दी से बोलना पड़ेगा भाई बोलो जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो भी बोल रहे कुछ बच्चा पार्टी कुछ बच्चा पार्टी भी बोल रही है सर जी टीवी और सर कहां है सर जी टीवी सर कहाँ है अरे सर हम आपके लेक्चर के सीटी टी क्रैक कर सकते क्यों नहीं कर सकते बेटा सर यू मेक द फिजिक्स सो इजी थैंक यू बेटा खान साहब चलो सात नंबर का जवाब आपके सामने रखे गए भैया क्या आप लोग कर पा रहे हो चलिए एक रेक्टेंगल ग्लास का वेसल है मेजर कर रहा हूं ग्लास मतलब ऐसे रेक्टेंगल ऐसे ही होता है ना रेक्टेंगल अब मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं होती है तो हंसना मना है भैया हंसना मना है ये ये है ना ऐसा है ठीक है <laughs> उन्होंने बोला कि भैया यह साइड 25 है मान लेते 25 सेंटीमीटर ये साइड बेटा 12 सेंटीमीटर मानिए और ये जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर मानिए ठीक है ये ओके सर और इसमें कितने हाइट तक पानी भर के रखा है तो अलग मार्कर इस्तेमाल करके बोलते हैं यहां से इस ग्लास ये जो है रेक्टेंगल इसमें 8 सेंटीमीटर तक का तक एट सेंटीमीटर तक हाइट तक पानी भर के रखा है इसमें ऐसा 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 पानी भर के रखा होगा ठीक थी। है अब मेरी इतनी अच्छी तो डायग्राम नहीं पहले बोल रहा हूं इसमें आठ सेंटीमीटर तक भर के रखा है वट इज द द्रश ऑन बेस ऑफ वेसल वेसल पे कितना फोर्स लग रहा है थ्रश मतलब फोर्स कितना लग रहा है से? ऐसे ऐसे फोर्स कितना, लग रहा? कितना लग रहा है इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा है इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल रहा है तो सर काम करते हैं पहले एरिया निकालते हैं एरिया मतलब ये होगा देखो ना लेंथ चलिए निकालो एरिया ये 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर देखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मुझे हाइट से लेना देना नहीं फिलहाल में एरिया निकाल दो तो हो गया पच्चीस गुना बारह कितना होता है सर बोलो जल्दी से आ, ये क्या हो गया सर 25 300 हो रहा है क्या 300 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस फोर मीटर स्क्वायर ये पता होना चाहिए शिफ्ट कर दो से थ्री इंटू टेन टू माइनस टू मीटर स्क्वायर बोलूंगा क्यों कर रहा हूं ठीक है ना और 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 बस हो गया सर बताओ प्रेशर होता है याचिर क्यों मुझे बताओ प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया मुझे फोर्स निकालना है भैया तो पी इंटू ए एक क्यों निकाला समझे अब पी निकालना बाकी है ना प्रणव पाटिल ओके ओके दिखाता हूँ टीम नहीं है जब जिस दिन टीम रही उस दिन पूरा दिखाऊंगा टेंशन मत लेना ठीक है यच कितना है हाइट कितनी है भैया बीस है आपके पास हाइट कितनी दिवाली है हाइट दी वाली है सब कुछ दी वाला है ठीक है हाइट दी वाली ये सब पानी की हाइट हाईड़, ये हाइट हाँ मतलब पानी कितनी नहीं तो हाइट ये लोग ये मुझे इस पानी के कारण कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बोला है यच यछ हमारे पास एट सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मीटर में करो सर माइनस एट एट इंटू टेन रेस टू माइनस टू मीटर होता है डेंसिटी कितनी दी वाली है हजार हजार मतलब टेन रेस टू थ्री जी कितना लेने के लिए दस मतलब टेन टू एट जानते हो भाई ये एट इंटू टेन टू टू या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही मतलब होता है कि ये बात समझ में आ रही है भैया एट ये टेन ड्रेस टू थ्री टेन टू वन टेन ड्रेस टू फोर फोर में से टू गए तो प्लस टू रहेगा और मुझे प्रेशर एग्जाइटेड थ्रस्ट बोल रहा था उसमें क्या बोल रहा है वो जो बोला वो लिखो ताकि पता लगे कि है ना, थ्रस्ट बोला है थ्रस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एट तो थ्रस्ट निकालेंगे पी कितना है बोलो टू कितना है यार अभी निकाला थ्री इंटू टेन रेस्ट टू माइनस टू तो आप जानते होंगे जो थ्रस्ट है एट थ्री जा ये, ये मर जाएगा ट्वेंटी फोर न्यूटन चौबीस न्यूटन इतना फोर्स इसके ऊपर थ्रस्ट लगेगा भैया इस बेस पे लगेगा तुम्हारा एकदम थम्सअप कराबर बरा चलो देखने तो दो भाई कुछ लोग कर रहे इंजॉय कर रहे क्या नहीं कर रहे भाई तो बताना पड़ेगा भाई बताना पड़ेगा सवाल को समझना बहुत जरूरी है बोल भाई हम के लेक्चर सीट क्रैक कर सकते कर सकते बेटा थैंक यू खान साहब चलो थैंक यू थैंक यू यार इतने सारे थम्स अप देख के मेरी एनर्जी लेवल बढ़ा देते हो यार आप लोग सही में सर रिपीट करना है ओके रिपीट के लिए देखो रेक्टेंगल ग्लास वेसल रेक्टेंगल समझते हो ना यार ऐसे रेक्टेंगल बना दिया है। रूम होती है ना रूम रूम ये रूम है दस बाय दस की रूम है रूम जानते हो तो रूम की बेस जो वाला ये ये बाद में लेंथ ब्रीथ पता है।, और 20 है, इस रूम की है लेकिन इस रूम में पानी भर रहा हो आपके यहाँ पे हौद होता है टैंक होता है पता है ना टैंक पानी का टैंक पता है आपको उसमें आठ सेंटीमीटर आपने पानी भर दिया आठ सेंटीमीटर क्या कर दिया पानी भरा तो वो बेस पे आपका जो बेस है उस टैंक का उसमें कितना थ्रस्ट लगा रहा है फोर्स लगा रहा है ये फाइंड करना है तो मैंने बोला एरिया निकालते पहले बेस का इस रूम की बेस मैंने बोला लेंथ गिनो ब्रीथ गिनो लेंथ है 25 ब्रीथ है 12 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना चलिए उसके बाद में 12 25 है ना 300 होता है लेकिन मैंने क्या किया मीटर में में करना पड़ता है सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर माइनस फोर होता है दो जीरो खा लो तो ये मिल रहा है फाइनली ये मिल का है। ओके? मुझे निकालना है। आ, का फर, होता है, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए होता है तो पी एच रोजी देखो यच रोजी यच कितना है भैया हाइट किसकी की या, लिक्विड की हाइट मुझे रूम की हाइट नहीं चाहिए मेरे टैंक की हाइट नहीं चाहिए यह बात समझना जरूरी है समझ में आ रहा है ओके तो यह जानना जरूरी कि हाइट किसकी ले ली है तो यह हाइट लोगे भैया रूम की हाइट लेके क्या करोगे आपकी पानी की टैंकी की हाइट काम की नहीं है तो एट इंटू टेन टू माइनस टू रो दे हजार मतलब टेन टू थ्री जी दस है ओके सर मतलब एट ओके okay, सर ये टेन रेस टू फोर में से माइनस टू गया ये फोर हो गया ना थ्री आर वन तो टू रहेगा न्यूट्रन मीटर okay, थ्रस्ट क्या है फिर पी इंटू एट इंटू टेन एस टू टू ए क्या है बेटा इरा क्या है थ्री इंटू टेन एस टू माइनस टू टेन एस टू टू टेन रेस टू माइनस टू कैंसिल हो गए ट्वेंटी फोर है बेटा देविल आप ढूंढ रहे नहीं है मैंने आपको बताया कि नोट्स है ऐसा नहीं बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा भाई मैं चेक करवा के एक दिन वीडियो डालने वाला हूं कि कैसे नोट ढूंढते हैं चले सरी चलिए फटाफट फटाफट बताओ आपको बताना है बहुत इजी है क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं समझने वाले को इशारा काफी होता है क्वेश्चन बैंक देना प्लीज हाँ देता हूँ सगड़े देते सगड़े लेक्चर चालू आंसर दी भाऊ देखो वी विल ट्राई यूर बेस्ट लेवल जे गेले ते कावळे राहिले ते मावळे भाऊ हा बराबर येत बोलो सर फिजिक्स के लिए फार्मूला आना चाहिए क्या हां बेटा फार्मूला तो आना चाहिए। बोल बावड्या बोल बोल बीडू चल देखो टू थाय बोन्स थाई के जो बोम्स होते हैं पता है ना आपको है ना फेमस ईच क्रॉस सेक्शन एरिया प्रत्येक हर का क्रॉस सेक्शन एरिया टेन सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रहे कर रहे ना अर्थात थी इसलिए तो भाई आम लोगों को सपोर्ट हो रहा है ना ये तो कैसे चलते थे ऐसे ऐसे हाँ मास दिए वाला है फोर्टी किलोग्राम व्हाट इज द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द है ना था कैसे करेगी आप फेमुस जो भी बोलना है बोल लो ठीक है बहुत ही इजी और सिंपल सा सवाल है एवरेज प्रेशर क्या होगा एवरेज प्रेशर क्या होगा और मुझे यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बोला है और कितने पैर है सभी लोगों को भाई मुझे दो है आपको कितने बता देना लेक्चर टाइमिंग जब तक आप हो तब तक लेक्चर है भाई मुझे बताओ आप लोग कितने पैर पे खड़े हो कितनी था है आपकी? मेरी दो है अगर आपकी कुछ अलग रही तो बोल देना तो ये तो हो होगा लेकिन टॉइस टाइम ऑफ एरिया होगा क्यों ये क्यों दो मल्टीप्लाई क्यू लिया क्योंकि हम लोग तीन कोने रे विजय तीन वर उ है कर बेटा टेन स्क्वायर मतलब ये हो गया बेटा ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ट्वेंटी सेंटीमीटर टू मीटर माइनस फोर मीटर है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए मुझे एवरेज पावर निकालने के लिए बोला है प्रेशर सॉरी फोर्स पर एरिया अब ये जो फोर्स है वो है यमजी भैया मेरा वेट होगा ना नीचे ऐसे मैं खड़ा हो ना तो मेरा ने वेट नीचे मेरा ये है शोल्डर है है ना हेड है ये हाथ है सब सबका वेट नीचे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन यम जी और इरा जो है चलो यम कितना चालीस जी कितना है टेन लेने के लिए बोला है ईरा कितना है ट्वेंटी टेन टू माइनस फोर ये हो गया दो ओके सर टू इंटू टेन ये प्लस होगा बाय माइनस का टेन डेस टू माइनस फोर का टेन डेस टू फोर आप देखो टू ये टेन डेस टू वन है तो टेन डेस टू फाइव और फोर्स होता है प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या ये जवाब आपके पास है तो चिपका दो भाई क्यों टेंशन ले रहा है तू भाई टेंशन लेने की देने की चीज होती है अरे भावड़ा समझते का अरे भावड़ा नो कर दगा हाँ कड़ाला पाइजे भाऊ जान जाए लेकिन शान में जाए जान जाए लेकिन शान में जाए और जवाब हमारा हमेशा पहला होना चाहिए भाई चल आगे बढ़ता हूं भैया कार को लिफ्ट कर रहा हो एक कार है, उसको लिफ्ट करेंगे भाई जान जाए लेकिन शान में जाए ध्यान रखना भैया चलो नेक्स्ट सवाल सर सीओपी बैठ लो ना बैठल ना क्यों नहीं बैठना भावेश फार्मूली की लिस्ट की पी अपलोड करो ना ओके और कुछ टेन रेज टू थ्री नहीं रे बाबा टेन रेज टू फाइव अर्ष कल ऑप्शन डी नहीं आया कलो का सर कलो का सर आता हाँ चल बोल 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 बीडू बोल बोल, बोल जल्दी से चल इसका जवाब दे दे तो वो बाकी चीजें छोड़ दे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ पास्कल लॉ लॉ पढ़ाया मैंने पास्कल लॉ पास्कल लॉ जिसको आएगा वो बच्चा जवाब देगा भाई जवाब 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 मैंने आपको ऐसा बोला था देख भाई याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है क्या तेरे को तेरे को कुछ याद आ रहा है क्या भाई ये बोल भिड़ू इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देख भिड़ू देख ये प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे ये गाड़ी को उठाया था मैंने इस गाड़ी को याद आ रहा है कुछ लिफ्ट कर रहा हूं इसी के ऊपर सवाल देख एक कार को लिफ्ट कर रहा था मैं मैंने बोला था छोटा बच्चा भी बड़े बड़े गाड़ी को उठा सकता है है ना कंप्रेस कर रहा है एयर एग्जर्ट द फोर्स यहाँ पे फोर्स लगाओ एफ नाम का ऑन स्मॉल पिस्टन इसकी जो रेडियस है ये पिस्टन होता है इसे, ऐसे ऐसे पिस्टन और इसका जो रेडियस होता है अरवन बोलेंगे फाइव सेंटीमीटर ओके सर तो आर वन को फाइव सेंटीमीटर को फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस टू मीटर करो दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड क्या करता बेटा सब तरफ इक्वल ट्रांसमिट करता है और इक्वल ट्रांसमिट करने के बाद इक्वल ट्रांसमिट करने के बाद क्या बोल रहा भैया भरकुल रीत सदा चली आए वे क्या लिख रहे भाई आजकल नया 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 पंडा क्या ला रहे ठीक है और दूसरा जो ये जो पिस्टन से इसकी जो रेडियस है भाई वो पंद्रह सेंटीमीटर बोलिए आर टू बोला इसको इसको क्या बोलेंगे सेंटीमीटर अगर क्या नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में मैं जानबूझकर कर सिखा रहा हूं आपको मास ऑफ द कार यहां का जो मास है भाई वो है मेरे इतना What is the F1? ये कितना होगा और यू पता है ना यू क्या होता है यार? यारी मास कितना है यार तेरह सो पचास गुना दस जी की वैल्यू दस होती है है ना तो ये कितना होगा सर वन थर्टी फाइव टू टू समझे न्यूटन F2. मुझे वन फाइंड करना है मुझे बताओ प्रेशर जहां इतना उतना इतना <laughs> सर जहां ये फोर्स जितना यहां होगा उतना ही सॉरी प्रेशर प्रेशर ये पी वन जितना प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है और वहां पे भी प्रेशर पी वन इज इक्वल टू पी टू लिख सकते हो प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली होता है इसलिए पी वन इज इक्वल टू पी टी लिख सकता है भैया पी मतलब क्या फोर्स पर यूनिट एरिया इसको बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया खाली ए टू मुझे एफ वन निकालना है सर तो F2 ए वन मल्टीप्लीकेशन में ये डिवाइड बाय ए टू रहेगा हाँ सर यन यफ टू की वैल्यू है मेरे पास वन थर्टी फाइव 10 रे टू 2 a1 क्या है r1 मतलब 파 스퀘어 पाई r1 स्क्वायर ये 파 r2 स्क्वायर पाई से पाई को मरवा दो ठीक है तो f1 ये 135 10 रे टू 2 r1 r1 r1, r1 का स्क्वायर अरे नहीं दो सर हम काम करते हैं अपन ये r1 ये r2 स्टेप बढ़ाना नहीं चाहिए डायरेक्ट करो आप लोग मुझे कुछ बच्चे बोलते की सर मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है इसलिए करना पडता है सर उद्या तुमचे दहा मिनिट दहा मिलियन पापे <laughs> कोण आहे अदर् गेमिंग बाबा दहा मिलियन जर झालं तर तुला पाहिजे तिथे घेऊन जाईल रे बाबा डायरेक्ट बाबा, <laughs> दहा मिलियन सबस्क्रायबर होणार आहे बाबा दहा जाऊ दे माझं एक मिलियन करून घ्या आधी तुझी तुझ्यावर जिम्मेदारी आहे चल एक मिलियन करून घे यावर्षी बस सर उद्या तुमचे दहा मिलियन सबस्क्राईबर होणार आहेत ठीक आहे ना आर वन क्या भैया आर वन हे पाच टेन रेस टू मायनस टू डिवायडेड बाय आर टू क्या आहे पंधरा टेन रेस टू मायनस टू का स्क्वेअर ये मायनस टू मायनस टू टेन रेस टू कट ओ्री जान वन वन थर्टी फाईव्ह वन बाय थ्री आय ना फाईव्ह थ्री जा फिफ्टीन

समजले का बाबा अरे बावड्या समजला असेल तर लाईक बिन मार ना बावा एवढे पोरं असतात अरे 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 लाईक पण मारत नाहीत रे दे देवा 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 कसं होईल रे बाबा भगवान चलो जल्दी से चलो सर आप बहुत भोले हो अरे अर बापरे <laughs> <laughs> बहुत भोले हो चलो ओके सिंपल क्वेश्चन है आपकी वेब सीरीज कब आएगी अरे बापरे वन न्यूटन कितना टेन डेज टू फाइव डाइन होता है एक न्यूटन मतलब रिपीट करने के लिए देखो भैया यहां जितना प्रेशर दिया वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है ये पास्कल साहब ने बताया मुझे मेरे घर पर गए और उन्होंने मुझे बता दिया इसलिए मैंने पहला जितना यहाँ प्रेशर दे रहे थे उतना ही प्रेशर यहाँ होता है इसलिए पी वन इज इक्वल टू पी टू लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स तो इसका डाला इसका डाला मुझे यफ वन निकालना है पता था एफ टू इधर गया भैया ये, ये वन इधर गया ओके okay. यू की वैल्यू है मेरे पास मास दिया था फार्मूला होता है प्रेशर फोर्स निकालने का सॉरी तो ये 135, ये जीरो ये एरिया क्या है यार सर्कल है वो पिस्टल ऐसा सर्कल रहता है सर्कल है ना पाए तो पा स्क्वेयर तो पाई पाई कैंसल आर वन बाईर स्क्वेयर आर वन की वैल्यू है पांच सेंटीमीटर मतलब माइनस टू पंद्रह फिफ्टीन इंटू तो टू माइनस टू कैंसल फाइव मतलब थ्री जा मतलब का तक कट गया नाएं। तो नाएं से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा जी चलो दगे नवनाथ बेटा माला एवढे कॉमेंट येतात एखादी राहुल जाते करना बेटा पास्कल लॉ का यूज किया है यस yes. सर महारिजन कब लाएंगे आप लाते बेटा लाते देखते हैं करते हैं सब कुछ चीजें होगी डोंट वरी बी हैप्पी चल भाऊ 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 सांग लोकर लोकर चल इसके ऊपर बात कर ले तू तो। ये बात कर ले भाई ड्यूरिंग द ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ पेशेंट डल इज इनसेड द वेन डॉक्टर के पास जाते हो अरे कभी इंजेक्शन लगवाया क्या किसी को लगवाओगे द गेज प्रेशर एट द वेन जो देर प्रेशर ऑफ गेज दे वाला है दो हजार पासकल एट वॉट हाइट मस्ट बी ब्लड बॉटल प्लेस सो द ब्लड मे जस्ट इंटर द वेन वेन में जाना चाहिए द डेंसिटी ऑफ द ब्लड डेंसिटी ऑफ द ब्लड 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स टेन टू थ्री के पर क्यूबिक मीटर तो आपको पूछा क्या है वो बता दो भाई है ना तो आपको हाइट पूछी हाइट कितनी वाट हाइट मस्ट बी हाइट कितनी होनी चाहिए ब्लड बॉटल की ये बताना है अब ये करके दिखाओ ये ये आपको पता है प्रेशर एग्जाइटेड बाय द ब्लड कॉलम जो होता है प्रेशर एक्साइटेड जो होता है या चिरोजी क्या होता है या चिरोजी है कि नहीं भाई अब ये जो प्रेशर है ये प्रेशर गेज दीवाला तो प्रेशर गेज इज इक्वल टू द प्रेशर ये दिवाल ठीक है मुझे निकालना हाइट है ना ये प्रेशर गेज है ना भाई हाँ प्रेशर गेज ये रोजी है वो ब्लड देखो हम लोगों को बॉटल कितने हाइट पे लगाने से हमारा वेन में ब्लड जाएगा ये सवाल है ना तो हाइट निकालना है प्रेशर क्या भैया दो हजार को टेन रेस टू थ्री लिखते हैं ये जो डेंसिटी वाली है वन पॉइंट जीरो सिक्स टेन रेस टू थ्री है और जी टेन है समझे आप एन है ना ध्यान रखना यह टेन रेस टू थ्री टेन रेस टू थ्री मर गया है, बचा क्या यच इज इक्वल टू टू और अप्रोक्सिमेटली टेन ही मानना है अरे वन पॉइंट जीरो सिक्स मतलब वन मल्टीप्लाई टेन टेन अप्रोक्स मानो तो ये कहीं ना कहीं जीरो हाइट पे लगाना पड़ेगी वो क्या जो ब्लड की बॉटल है वो मतलब ये ऑप्शन आ रहा है पास है बराबर बेटा शॉर्टकट बताने के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ेगी एकदम से अगर मैं शॉर्टकट मार दूं तो बच्चे के दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा समझे क्या? नहीं घुसेगा बेटा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना पड़ता है नहीं तो क्या होता हम लोग निगेटिव थिंकिंग में जाते बहुत सारे बच्चे मैं हमेशा देखता हूँ सर नहीं कड़ा लो का सर सर नहीं बाबा धीमे धीमे हर चीज मिलती है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है भैया इस पीजस के पैर को बढ़ाना है ये बोल रहा मैं ठीक है चलिए बताओ टू सिरिंग्स ऑफ डिफरेंस क्रॉस सेक्शन इंजेक्शन पता है ना आपको इसके क्रॉस सेक्शन अलग अलग है एक आदमी को देने वाला इंजेक्शन और एक जानवर को भैया जो भैंस को गाय को इंजेक्शन दिया जाता बैल को वो बड़ा रही है उसके ऊपर से ऐसे और बाद में एक दबाते पता है ना आपको फर्क होता है ना ओके तो डिफरेंस क्रॉस सेक्शन है विदाउट नीडल नीडल नहीं है समझो नीडल नि निकाल के तो आपने देखा होगा शायद पहले हमारी इंजेक्शन ऐसी होती है ये ये पार्ट बाद में ये ये, ये इंजेक्शन होता है ऐसे होता है क्या और ये आपके पीछे दबाने वाला वो बोलते उसको ये ऐसे दबाते है। दबाते ना भाई है ना ऐसे ओके okay? ये अलग है ये दूसरी एक अलग होगी कनेक्टेड विद द टाइटली फिटेड रबर टू रबर से इसे टाइटली करते फिट विद द वाटरबल पिस्टन पिस्टन मुहेबल होता है ऐसे, ऐसे दबाओ इंजेक्शन दबाओ ये करके दिखाओ भाई तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन डायमीटर वाली है स्मॉलर की पहले वन बोलते वन सेंटीमीटर मतलब इसका अगर रेडियस बनाओगे तो हाफ सेंटीमीटर मतलब हाफ सेंटीमीटर को मीटर माइनस टू आर वन दूसरी की डायमीटर है अब दूसरी की ये सीरीज है ठीक है भाई देखिए बड़ी है थोड़ी सी ये ठीक है ना तीन सेंटीमीटर है तीन सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा इसका थ्री बाय टू सेंटीमीटर तो थ्री बाय टू सेंटीमीटर को मीटर में करना है सेंटीमीटर को मीटर में आपको इंजेक्शन मिला है क्या कभी <laughs> एक बात बोलूं मैं पहले सही में हॉस्पिटल में काम करता था स्टूडेंट था लाइफ स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज्यादा मेरे हाथ से लोग इंजेक्शन लेते थे बहुत ही खतरनाक इंजेक्शन दूंगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि सर ने इंजेक्शन दिया बोल के सही में आप मेरा जो स्टॉक पे वीडियो देखो मैंने वहां पे बोला था कि मैं कोई हॉस्पिटल में पहले काम करता था एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे करे क्या तो मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था रात को ड्यूटी करना दिन में कॉलेज करना रात को ड्यूटी करता था मैं पूरे रात में तो उस हॉस्पिटल में बहुत किडनी स्टोन और इसके ऑपरेशन होते थे ठीक है तो मैं इंजेक्शन लगाता था, था भैया और मैं इतना पहले क्या था स्टिल का एक ये रहता था बर्तन रहता था उसमें वो जो नीडल है उसको गर्म करते थे तो वो नीडल को गर्म करना देना बाद में इंजेक्शन एक जेंटा माइसिन और पैरासीटाम मैं बोल लूंगा आपको जेंटामाइसिन ये जो है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन रहता है जंतु को मारने के लिए और पैरासिटामॉल इसलिए इंजेक्शन रहता है कि जिसको बुखार देखो ऑपरेशन होने के बाद बुखार आता है तो उसके लिए दिया जाता है ठीक है ना तो यार मैं इंजेक्शन इतने खतरनाक देता था लोग बोलते थे मुकेश अगर नहीं आएगा तो हम इंजेक्शन नहीं लेंगे डॉक्टर से भी नहीं लेते थे इतना क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा दो इंजेक्शन कंपलसरी हर पेशेंट को 25-25 पेशेंट 50 इंजेक्शन शाम को मॉर्निंग में उठने के बाद दोबारा देने पड़ते थे सो इंजेक्शन देना हाथ बैठ गया था मेरा okay. okay? चलिए तो ध्यान में रखना भैया व्हाट इज द फोर्स एग्जिटेड ऑन लार्ज पिस्टन्स देखो लार्ज पिस्टन्स मतलब F2 बोलेंगे यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो 10 न्यूटन है ना तो हम लोगों को यहां पे जो भी प्रेशर निकलना है वो नहीं लास्ट पे कितना होगा ऐसा पूछना है ना ये वन है ये टू निकालना है ओके okay, कोई तो टेंशन है भाई समझ में आ रहा है सिंपल सिंपल सवाल दिए हैं बस प्रेशर दोनों जगह पे सेम होगा तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अभी अभी बोला फोर्स पर यूनिट एरिया है ना मुझे एफ टू निकालना है भाई कैसे निकालो कि बोलो टू इज इक्वल टू यफ वन वन ए ये नहीं ए टू होगा देखना भाई इधर मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है ए वन चलो यफ टू ये दस है ओके सर यहां पे भी पाए आर टू स्क्वायर पाए आर वन का स्क्वायर पाए पाए कैंसिल है यफ टू इज इक्वल टू सेम पहले जैसे आर टू कितना है थ्री बाय टू यस निकाल सकते हैं आप लोग कोई टेंशन नहीं है निकाल सकते हो देखो ये होगा थ्री बाय टू ओके इसको सेंटीमीटर को मैं बाहर निकालूंगा ठीक है और ये टू बाई वन डिवाइड कर डिवाइड देख ना भाई थ्री बाई टू और ये टू बाई वन उल्टा करो और ये ट्रेन रेस्टू इन दोनों का भी जो दिया गया है ओ, 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 वो तो कैंसिल होगा माइनस टू ये माइनस टू कैंसिल होगा बेटा माइनस टू ये माइनस टू कैंसिल इसका स्क्वेयर है तो ये गया ये भी गया तो यफ टू टू इज इक्वल ये टेन थ्री का स्क्वेयर नाइन तो ये नाइनटीन न्यूटन आ रहा बेटा नाइनटीन न्यूटन नब्बे न्यूटन है यस तरजीह सेवन जाले। जा जाले नहीं, नहीं। प्रणव पाटिल करतो बाबा तुमची एवढी बॅच झाली की करणारच आहे पाटील थँक यार चलो बनं आगे चलिए ये एक सवाल अच्छी पढ़ पडके वी विल ट्राय युअर बेस्ट लेवल करना हमारा काम है, बोलो जल्दी से जवाब चाहिए बच्चों जवाब न्यूटन का यूनिट क्या होगा न्यूटन यूनिट है बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन एक्चुअली और उसमें ये हम लोग यूनिट निकालते चलो बोलो यार फटाफट चलो 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 एक कोनिकल वेसल है मतलब ऐसा वेसल होगा है ना कोनिकल मतलब ये ऐसा ठीक है इसका जो एरिया है ना वो एरिया है फोर इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर और इसकी जो हाइट है वो है चालीस सेंटीमीटर मतलब ये अच्छा फोर्टी सेंटीमीटर मतलब फोर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस टू मीटर मतलब हाइट फोर इंटू टेन रेस टू माइनस वन मीटर एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया फिल विद द लिक्विड लिक्विड से फिल कर दो कर दिया उसकी डेंसिटी जो है वह है जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब जीरो पॉइंट नाइन ग्राम को किलोग्राम करना है माइनस थ्री और सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए माइनस सिक्स मीटर क्यूब किलोग्राम कर दिया माइनस थ्री सेंटीमीटर टू तो मीटर क्यूब करना था तो इसलिए माइनस सिक्स तो रो आप जानते होंगे टेन रेज टू टेन रेस टू माइनस थ्री ऊपर गए तो सिक्स हो गए आप जानते होंगे शायद कुछ बच्चों को ऐसा भी करने का शौक़ हो सकता है कि इसको माइनस टेन रेज टू डायरेक्ट माइनस फोर भी कर सकते कैसे माइनस थ्री एक पॉइंट सेट किया ये। तो यहाँ पे नाइन इंटू टेन रेस टू टू है ना के पर क्यूबिक मीटर ये भी सही होगा चलो डेंसिटी भी मिल गई सर वट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बेस ऑफ द देश टू द लिक्विड कॉलम वाट इज द फोर्स एक्टिंग कितना करेगा अब आपको प्रेशर तो पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स पता है पी इंटू ए ये बात पता है ओके okay, सर प्रेशर क्या होता है पी इंटू ए पी मतलब क्या यच रोजी ए चलो कितना इजी होगा यच बताओ फोर इंटू टेन रेस टू देखो जो इजी लगता है वही वैल्यू डालना रो है ये टेन रेस्ट टू वन बोलो एरिया कितना है आपका फोर इंटू टेन रेस्ट टू माइनस थ्री देखो फोर इंटू टेन रेस्ट टू माइनस थ्री कितना इजी हो गया देखो फोर फोर जा मल्टीप्लाई नाइन वन फोर्टी फोर ध्यान देना भैयासू वन प्लस वन गया ये यहां गया तो माइनस वन समझे टेनरेस टू माइनस वन टेनरेस टू वन मर गया टेनरेज टू टू में से माइनस थ्री गए माइनस वन एक पॉइंट शिफ्ट करना है फोर्टीन पॉइंट फोर न्यूटन फोर्स किसमें गिनते हैं न्यूटन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग द बेस इस बेस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है मेरा, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे जो ये जो लिक्विड है ना ये वेट एक्ट बोल सकते जो हो रहा है बेस पे वो न्यूटन इतना सी डी के लिए बोर्ड्स के क्राइटेरिया क्या है हाँ वेरी गुड क्वेश्चन एच एस बोर्ड के लिए एच एस बोर्ड का आपके जो नंबर है अगर आप ओपन कैटेगरी हो ओपन तो आपको अभी फोर्टी फाइव परसेंटेज लगते अगर आप यस सी एस टी है ना यस सी एस टी एन टी जो भी ओ बी सी जो भी कैटेगरी होगी उसके लिए फोर्टी परसेंटेज हो गया ओके कुछ बच्चे बोलेंगे पचास और पैंतालीस है नहीं यह करवा के लिया गया क्योंकि आपको बता दो कन्वर्जन बताओ कन्वर्जन ये बेटा कन्वर्जन बताता हूं एक सेंटीमीटर मतलब टेन रेस टू माइनस टू मीटर ठीक है अब पे सेंटीमीटर तो इसका टेन रेस टू माइनस टू का भी क्यूब होगा मीटर में मीटर क्यूब करना है तो, तो कितना होगा माइनस सिक्स समझे आप वन के जी मतलब एक हजार होता है ग्राम सुना होगा मतलब मुझे ग्राम में करना है तो उल्टा टेन डेस तो माइनस थ्री करते बेटा केजी में ये कन्वर्जन था बाकी कुछ नहीं ओके पॉइंट शिफ्टिंग का वीडियो है अपने चैनल पे आपको पता नहीं के लिए बता देता हूं उसकी भी प्रैक्टिस करवा दो है ना उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराओ भाई ऐसा नहीं करना दुआ में याद रखना इसके वीडियो है चैनल पे चलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पैरेलल लेयर वाटर रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। ओके रिलेटिव वेलोसिटी को डीवी लिखते चलेगा एट सेंटीमीटर पर सेकंड। डीवी, वी एट सेंटीमीटर का मीटर माइनस टू समझे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लेयर मतलब इसको डीएक्स बोलेंगे जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर जीरो सेंटीमीटर माइनस टू मीटर ये भी पॉइंट शिफ्ट करते तो टेन डेस टू माइनस थ्री मिलता वन इंटू टेन टू तो माइनस थ्री मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वेलोसिटी ये होगा डी क्या है वी भी लिख सकते थे ऐसा कुछ नहीं है ए टेन डेस टू माइनस टू ये टेन डेस टू माइनस थ्री तो एट टेन डेस टू माइनस टू ये माइनस थ्री का ऊपर जाएगा तो प्लस आएगा तो एट कैसे में से बेस सेम है तो पावर की एडिशन या होता है 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 उसके उसके जो ऊपर करेगा तो एटी पर ये ये ठीक सब पता होना चाहिए बच्चों को पता ही नहीं होते यार बाय अब वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मीटर पर सेकंड देखो इसका होगा मीटर पर सेकंड ये डिस्टेंस का मीटर 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 कैंसल तो वन बाय वन बाय सेकंड हो रहा है ना ओके okay. चलो एक बार थम्सअप करो कितने लोगों को समझ में आ रहा है यार बोल भाई बोल चलो लास्ट का सवाल मेरे कितने सच्चे बच्चे हैं देख रहा हूं भाई कितने बच्चे सच्चे हैं कितने बच्चे सच्चे हैं देखेंगे अभी कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे तो वन दुँ 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 सर वन शॉर्ट रिवीजन लोना या वो भी लेना पड़ेगा स्नेहाल अच्छा हो बेटा सर आप अंगार है बाकी सब बंगार है नहीं बेटा सभी अपने अपने लेवल पे अच्छे काम कर रहे चलिए बोलो 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 बोलने से सब कुछ होगा चलिए फटक से आंसर बताना है जाते जाते अलविदा मत कहना इसका जवाब दे के जले जाना भैया सर प्लीज़ रिप्लाई क्या स्नेहा क्या रिप्लाई देना बेटा बताओ स्नेहा ने कुछ मैसेज भेजा है क्या कैसे हो सर मस्त हूँ मैं मस्त हूं बेटा कैसे हो मस्त हो आप बताओ कैसे हो तो सर उद्या टाइम का है हास्ट टाइमिंग है आठ से साढ़े नौ तक ठीक है चलिए बताओ जल्दी से हाँ जी यार मेटल प्लेट है जिसका एरिया है बेटा ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ट्वेंटी सेंटीमीटर टू मीटर मैंने अभी अभी बताया था कैसे करते हैं

तो टेन टू माइनस वन करना पड़ता है यहां लिखा है वन को अगर यह वन में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर करना है तो मुझे लगता है इसको टू किया जाए एक जीरो खा सकता है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ये गिवन डेटा है यहां तक भैया ठीक है वॉट इज द हॉरिजेंटल फोर्स फोर्स का फार्मूला भैया ए है ना इीवी बाई डी पता है आपको विस्कोसिटी कितना है विस्कस फोर्स कितना है तो यह है टू एरिया टू इंटू टेन टू माइनस थ्री वेलासिटी दी वाली है क्या हाँ वेलासिटी भी दी थी इसको मैंने लिखा नहीं भैया डी बी है टू सेंटीमीटर पर सेकंड तो टू सेंटीमीटर को मीटर के रो है ना चलिए तो टू इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री डी एक्स लिखा है टेन रेस टू माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री मर गया ये हो गए भैया आठ टेन रेस टू माइनस थ्री कुछ तो गड़बड़ है भाई माइनस टू था सॉरी टेन रेस टू माइनस टू है ये माइनस टू है हाँ टू इंटू टेन रेस टू माइनस टू था दो से सिर्फ क्या जीरो पॉइंट जीरो अरे, अरे कुछ भी मत बोलो ओके. चलिए तो जाते जाते अलविदा मत कहना सब लोग बाइक करके चले जाना जो जो बच्चे प्रो में आना चाहते हैं प्रीमियम तो बैच बंद हो चुकी है टॉपर की जिनको पेड कोर्सेस लेने हैं जल्दी से आ सकते हैं क्योंकि आपके मालूम के लिए ये जो कोर्स है ये कोर्स होते जा रहा है भैया लाख कुछ दिनों के बाद ठीक है ना ये सेकंड लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर टू है ना जीरो नंबर टू ये पीपीटी मिल जाती है आपको पी ऐप आप पे है जो चाहते हैं बच्चे जो बच्चे से वह सच्चे हैं, वो बच्चा ऐप से डाउनलोड करें बैच बंद मत करना सर आ, बैच ये बैच चालू रहेगी बेटा ये बैच चालू ही रहेगी प्रॉपर तो बैच जो है हमारी वो बंद होने के चांसेस है ठीक है मैं उस बैच की बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग बोल रहे हैं उस चीज की और ये जो चाहते बच्चा पार्टी यहां पे ऐप पे पीजे ऐप पे चले जाना ठीक है वहां पे आपको नोट्स मिलेगी ठीक है यहाँ पे कुछ बच्चे टॉपर लेना चाहते तो टॉपर बैच प्रीमियम तो बंद हो चुका है प्रो ओनली कुछ सीटें अवेलेबल से वो ले सकते हो इसमें आपको लाइव सेशन एमसीक्यूज डिस्कशन पी वाई क्यूज डीपीपी चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट सब चीजें मिलने जा रही है ठीक है बोर्ड के लिए भी एवरी चैप्टर का न्यूमेरिकल वन शॉट लो प्लीज ओके ओके लेता हूं बेटा चलो बाय 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 गुड नाइट गाइज गुड नाइट बाय 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्टअप फॉर यूर स्टडी एंड यू आर फ्यूचर प्लान मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड पार्ट के साथ तब तक करते हैं जय हिंद जय भारत मिलता है बाय